स्टूडेंट्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग सीएन का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है अपने नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस के बेसिक अपन डेफिनेशन से चालू करते हैं। टू और मोर डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा और रिसोर्सेज फ्रॉम अ नेटवर्क। सो द डिवाइसेज विच हेल्प टू यूज और टू डू दिस प्रोसेस आर नोन एज नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेज। मतलब नेटवर्क में जो हमारे एलिमेंट्स है या जो हमारे वर्क स्टेशन है, वो जब आपस में कनेक्ट होते हैं और उनके बीच में जो हमको डिवाइसेस लगते हैं पर्टिकुलर किसी फंक्शन या किसी ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो अब इसके बेसिकली छह टाइप्स हैं या छह तुम लोग बोल सकते हो क्लासिफिकेशन है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है रिपीटर्स, हब्स, ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवे और स्विचेस। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितना अच्छे से हो सके इसका कंसेप्ट याद कर लो ताकि तुमको एग्जाम में भी इसको पढ़ने की वापस जरूरत ना पड़े। एक बार अगर कंसेप्ट समझ लिया बात खत्म, ठीक है। तो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं जो कि है अपने हब्स। तो द जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड हब इज एनी कनेक्टिंग डिवाइस, बट इट्स स्पेसिफिक मीनिंग इज मल्टीपोर्ट रिपीटर। तो अभी यहां क्या हो रहा है कि ये मेरा हब है, इससे मेरे चार वर्क स्टेशन जो है वो कनेक्टेड है। तो जनरल मीनिंग हब का क्या होता है कि कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस, मतलब ये इसको कनेक्ट कर रहा है थ्रू हब, ये इसको कनेक्ट कर रहा है थ्रू हब, ये दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू हब एंड सो ऑन। पर इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, मल्टीपोर्ट रिपीटर। मतलब इससे जो सिग्नल्स आ रहे हैं इसको भेजने हैं, तो मैंने इसके पोर्ट को एक्टिव किया, इससे डेटा लिया, यहां पे उसको एम्पलीफाई किया और यहां पे इसका पोर्ट खोल के इसको वापस वो डेटा प्रोवाइड किया। तो ये मेरा हब का बेसिक जो है फंक्शन है या ये उसका प्रोसेस है। अब बेसिकली तीन टाइप के हब्स होते हैं, एक होता है पैसिव हब, एक होता है एक्टिव हब और एक होता है इंटेलिजेंट हब। पैसिव हब क्या होता है, सिर्फ वो एक तरह से ना कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, या तुम बोल सकते हो दो डिवाइसेस को कनेक्ट किया है उसने, कि इन दोनों के बीच में बस ये एक जरिया है, इसको कुछ लेना देना नहीं है, डेटा आ रहा है इसके थ्रू जा रहा है, ना ये उसको रोक रहा है, उसको कुछ एनालाइज कर रहा है, कुछ नहीं। उसी जगह पे एक्टिव हब क्या करेगा, वो जब डेटा आएगा उसको मुझे कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, कितना उसको एम्पलीफाई करना है, वो सब जो है वो एक्टिव हब करेगा। मतलब ये आलसी वाला पैसिव हब हो गया, कुछ नहीं बस वो दे देता है आगे, एक्टिव हब उसको ऑप्टिमाइज करके देगा। और इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइज मतलब क्या करके देगा कि भाई एम्पलीफाई करके देगा, मतलब ऑप्टिमाइज काफी बड़ा वर्ड हो गया उसके लिए, पर हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई उसको एम्पलीफाई करके देगा। वहीं पे इंटेलिजेंट हब क्या क्या देखेगा, नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट बेसिकली वो क्या करेगा कि मुझे एट अ टाइम कितने को डेटा भेजना है या कितनों से डेटा लेना है, चोक ना हो जाए, बॉटल नेक ना हो जाए, तो ये सब जो है वो इंटेलिजेंट हब करेगा। वो काफी सारे जो उसके पास कोड्स है या जो भी प्रोग्राम्स है उनको यूज करके इंटेलिजेंटली तुम्हारा नेटवर्क हैंडल करेगा, वो तुम्हारा इंटेलिजेंट हब होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर जो कि है अपना रिपीटर। तो रिपीटर के तो नाम में उसका मतलब छुपा है। तो रिपीटर इज अ कनेक्टिंग डिवाइस विच कैन ऑपरेट इन द डेटा लिंक लेयर, या तो इसका डेफिनेशन हो गया। और रिपीटर रीजनरेट्स द ओरिजिनल सिग्नल, मतलब सेगमेंट वन से वर्क स्टेशन वन ने कुछ सिग्नल्स भेजे तो रिपीटर उसको लेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा। तो रिपीटर बेसिकली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऐसे लगाया जाता है कि अब इस डिस्टेंस के बाद ये टोटली करप्ट हो जाएगा ये सिग्नल, और इसको रीगेन करने का कोई सोर्स नहीं बचेगा, तो वहां पे हम रिपीटर लगा देते हैं ताकि हम जो उसके जो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमने ट्रांसमिट की है उसमें जो नॉइस इंट्रोड्यूस हुआ है या जो उसके लॉस हुए हैं मीडियम के थ्रू, वो सबको एम्पलीफाई करना, सिग्नल को वापस स्ट्रांग बनाने का काम रिपीटर का है। तो रिपीटर फिर उसको सेगमेंट टू के थ्रू वर्क स्टेशन टू को प्रोवाइड कर देगा। तो रिपीटर बेसिकली क्या कर रहा है, बस सिग्नल एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है, दो स्टेशन के बीच में। अब आ जाते हैं ब्रिजेस। तो ब्रिजेस तो नाम से ही ये समझ गए कि कुछ तो दो स्टेशन को जोड़ते हैं, जैसे ईस्ट और वेस्ट के बीच में तुम्हारा एक ब्रिज होता है, फ्लाईओवर ब्रिज, गाड़ियां जाती है उसमें से, उसी तरह यहाँ पे कुछ डेटा जा रहा होगा। इसके नाम से इतना तो समझ में आ रहा है, पर इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ब्रिज एंड रिपीटर, अभी हमने रिपीटर देखा, तो ब्रिज और रिपीटर में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इसमें फिल्टरिंग कैपेबिलिटी होती है। तो फिल्टरिंग कैपेबिलिटी क्या प्रोवाइड कर रही है कि भाई
मेरे को कौन से पोर्ट के थ्रू किसको भेजना है और इस पर्टिकुलर पैकेट को भेजना है या ड्रॉप करना है, वो चीज वो दिखेगा फिल्टरिंग में। तो फिल्टरिंग में वो क्या दिखेगा कि कौन से पोर्ट के थ्रू किस डिवाइस को कम्युनिकेट करना है और वो जो पर्टिकुलर पैकेट जो मेरे पास आया है उसको फॉरवर्ड करना है या ड्रॉप करना है। तो ये फिल्टरिंग कैपेबिलिटी एडिशनल आ जाती है जब रिपीटर में, तो हम उसको नाम दे हैं कि वो एक ब्रिज है। या तो अब ब्रिजेस के भी दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस और एक है राउटिंग ब्रिजेस। तो ट्रांसपेरेंट ब्रिजेस बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसमें एग्जिस्टेंस ही नहीं पता होता है बाकी जो सिस्टम्स कनेक्टेड है उसके, कि कोई ब्रिज है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता बीच में, मतलब एडिशनल कुछ वो ऑपरेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो सिंपली यू कैन अज्यूम इट एज अ केबल, मतलब एक केबल की तरह वो काम कर रहा है। और राउटिंग ब्रिजेस क्या होते हैं बेसिकली, वो एक पर्टिकुलर होल्ड करते हैं, उनका एक आइडेंटिटी होल्ड करते हैं। तो जो सेंडर होता है ना वो इन आइडेंटिटीज पे एक ट्रैक बनाता है या एक रूट बनाता है कि ये वाला ब्रिज, जैसे ब्रिज 1, 4, 6 and 8 इज टू बी कवर्ड बाय दिस पर्टिकुलर पैकेट, तो वो पैकेट 1, 4, 6 और 8 वाले ब्रिज पे ही जाएगा। तो वो जो आइडेंटिटी वाला जो खेल है, जो रूट वाला जो खेल है, वो होता है रूटिंग ब्रिजेस में या राउटिंग ब्रिजेस में। तो ब्रिज का बेसिकली एक डायग्राम क्या होगा, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है। तो ब्रिज अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू अलग अलग लैब्स या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या सिंगल कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं राउटर पे। तो राउटर तो तुम लोग मुझे ज्यादा अच्छे से समझा सकते हो क्योंकि तुम लोग अभी शायद वीडियो भी उसी पे देख रहे होगे, मतलब उसके थ्रू देख रहे होगे, उसमें नहीं, ठीक है। तो राउटर्स आर डिवाइसेस दैट कनेक्ट्स टू आर मोर नेटवर्क्स, दे हैव बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो राउटर क्या होता है, तुम्हारे घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वायर्ड नेटवर्क उसके अंदर आता है, मतलब वायर्ड नेटवर्क उसके अंदर आता है और वो वायरलेस नेटवर्क तुमको देता है, बराबर पूरे घर में तुमको रेंज देता है। तो उसका इनपुट क्या है, एक पर्टिकुलर नेटवर्क जिसको हम वायर्ड नेटवर्क बोल सकते हैं, ब्रॉडबैंड बोल सकते हैं। आउटपुट में क्या दे रहा है, डब्ल्यू लाइन या अपना वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो राउटर बेसिकली क्या करता है कि जो अलग अलग नेटवर्क्स है ना, या जो फिजिकली लॉजिकली डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उन दोनों को वो आपस में जोड़ के कम्युनिकेट करवा सकता है। अब इसके लिए वो क्या यूज करता है, हार्डवेयर यूज करता है। हार्डवेयर क्यों लगेगा भाई, डब्ल्यू लाइन पोर्ट्स लगेंगे। सॉफ्टवेयर क्यों लगेगा कि भाई वायर्ड को मेरे को वायरलेस करना है उसके लिए। तो राउटर हो गया। अब आ जाते हैं गेटवेज पे। तो व्हेन द नेटवर्क्स दैट मस्ट बी कनेक्टेड आर यूजिंग कंप्लीटली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फ्रॉम ईच अदर, अ पावरफुल डिवाइस कॉल्ड गेटवे इज यूज्ड। अब यहाँ पे तो प्रोटोकॉल्स ही डिफरेंट हो गया है, मतलब वहां पे तो ये था ना कि आईपी लेके चल रहे थे हम, यहाँ पे तो प्रोटोकॉल्स ही अलग है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक नेटवर्क ऑडियो सिग्नल्स यूज कर रहा है और एक नेटवर्क डेटा सिग्नल्स यूज कर रहा है, तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल बहुत अलग हो गए। उसमें ऑडियो प्रोटोकॉल्स आएंगे, इसमें डेटा प्रोटोकॉल्स आएंगे। तो जब ऐसा सिचुएशन अराइज होता है तो वहां पे हम राउटर नहीं यूज कर सकते, तो वहां पे राउटर का बड़ा भाई गेटवे सामने आता है। तो गेटवे क्यों यूज होता है, जब दोनों मेरे जो नेटवर्क्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट नेचर्स के हैं, तब उन दोनों को मिलाने के लिए मुझे ये गेटवे लगता है। तो इसका कैसा है, नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ये नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल्स यूज करता है, तो इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें गेटवे लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनल वाले पे जो कि है हमारा स्विच। तो स्विच क्या है, अ स्विच इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स ब्रिजिंग फंक्शनलिटी विद ग्रेटर एफिशिएंसी। अब मतलब ये ब्रिज है पर ज्यादा एफिशिएंट है। तो अ स्विच एक्ट्स एज अ मल्टीपोर्ट ब्रिज इन अ लैन। अब जो हमने ब्रिज देखा था ना वो कैसे यूज कर रहा था, उसमें पोर्ट्स थे, तो ऐसा था ना कि एक लाइन से आ रहा था दूसरे लाइन में जा रहा था, दो पोर्ट्स यूज कर रहे थे, पर यहाँ पे मल्टी पोर्ट्स यूज कर सकते हो तुम लोग। तो उसको मैं बोलूंगा स्विचेस, मतलब कि मुझे लाइन 1 और लाइन 3 को कनेक्ट करना है, तो स्विच ये करेगा कि उन दोनों के बीच में स्विच करेगा कि मतलब पोर्ट 1 और पोर्ट 3 खोल दो। तो स्विच होता है ना जिसे तुम पंखा चालू करते हो, बंद चालू, उसी तरह तुम्हारा पोर्ट्स खुलेगा बंद होगा, तो वो सब कौन प्रोवाइड करेगा, तुम्हारा स्विच। अब स्विच के होते हैं बेसिकली दो टाइप, पहला है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच। अब यहाँ पे क्या होता है, जब तक पूरा पैकेट उसके पास आ नहीं जाता, वो डेस्टिनेशन एड्रेस या जो डेस्टिनेशन वर्क स्टेशन है वहां तक उसको ट्रांसमिट नहीं करता है, मतलब पूरा पैकेट जब उसके पास आ जाएगा उसके बाद ही वो उसका ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा। वहीं पे कट थ्रू स्विच क्या है कि यहाँ पे पैकेट आया अलोंग विद इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस, तो डेस्टिनेशन एड्रेस को कनेक्ट करेगा और जैसे जैसे पैकेट आता जाएगा वहां भेजता जाएगा। तो कट थ्रू मतलब आ रहा है एक हाथ से ले रहा है, पटक से दे रहा है। स्टोर एंड फॉरवर्ड में कैसा होता है, एक हाथ से ले रहा है
पर सारे लेके फिर वो दे रहा था, पर यहाँ पे एक ले रहा है एक दे रहा है फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये इसके बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है, एक अपना स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच और एक कट थ्रू स्विच। तो गाइस हमने क्या देखा आज, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो ये था वीडियो ऑन नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मंथ पे पढ़ते हैं। पूरा कोर्स आप कंप्यूटर नेटवर्क का करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा पूरा कोर्स, www.lastmonetution.com। वहाँ पे आपको दूसरे बहुत सारे और भी कोर्सेज मिलेंगे, तो वेबसाइट पे जरूर विजिट करिए। उसके बाद हाँ, और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, और बाजू में बेल आइकन उस पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें। अब इसके हमने नोट्स भी बनाए, क्योंकि यार नोट्स तो जरूरी है ना यार पढ़ने के लिए, तो नोट्स बनाए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है पूरे कंप्यूटर नेटवर्क्स के नोट्स किस तरह से आप हमारे से ले सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।